अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम तुफ़ैल। बहरिया इनसाइट्स के सेगमेंट में रेड बॉक्स की प्लेटफॉर्म से एक बार से फिर आपके साथ हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन के प्रीसिंक्ट 8 की, जहां 250 गज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और कमर्शियल के हवाले से यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लेकर के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्या रेट्स हैं, लोकेशन की क्या अहमियत है, लैंडमार्क्स क्या हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे हमारी रियल स्टेट एक्सपर्ट हलीमा हसन साहिबा से, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। हलीमा हसन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। प्रीसिंक्ट 8 की बात करेंगे हम। प्रीसिंक्ट 8 की लोकेशन के बारे में बताइएगा सबसे पहले कि कितनी अहम लोकेशन है, गेट से कितने फासले पर है, कितनी दूरी पर है ये प्रीसिंक्ट 8? प्रीसिंक्ट 8 की जो लोकेशन है वो बहरिया के मेन गेट से जस्ट तकरीबन अगर हम का डिस्टेंस काउंट करते हैं जो कि मेन गेट से 3 से 4 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर प्रीसिंक्ट 8 की लोकेशन है। और प्रीसिंक्ट 8 बहरिया टाउन कराची का डेवलप एरिया है और इस वक्त वहाँ पे एरिया के ऊपर अगर हम देखें लोकेशन वाइजेस तो वहाँ पर पोजिशंस भी मिल चुकी हैं बहरिया की तरफ से प्रीसिंक्ट 8 में। अच्छा, लैंडमार्क्स के हवाले से बताइएगा कि आसपास कौन से अहम लैंडमार्क्स हैं इस प्रीसिंक्ट में? इसमें जो हमारे पास जो है वो लैंडमार्क्स दिए गए हैं बैरिया की तरफ से जो कि बिल्कुल ही प्रीसिंक्ट 8 के नियर अबाउट जो है वो बिल्कुल व्यू करते हैं बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स, जो कि बैरिया हाइट्स के जो कुछ टावर हैं जिसमें पोजीशन दे दी गई हैं वो टावर्स जो है वो बिल्कुल प्रीसिंक्ट 8 को व्यू करते हैं। इसके अलावा बैरिया हिल्स इसके बिल्कुल करीब आता है। इसके अलावा ग्रैंड जामिया मॉस्क जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद दी गई है वो इसके बिल्कुल प्रीसिंक्ट 8 को व्यू करती है और प्रीसिंक्ट 8 के कुछ एरिया जो है वो प्रीसिंक्ट 8 की तरफ लगता है ग्रैंड जामिया मॉस्क का। इसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं तो एक तरफ जो है वो बैरिया एक तरह जो इसके बैरिया हिल्स है और दूसरे साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बैरिया हाइट सामने आता है, जो कि इस वक्त के टाइम पे अगर हम देखें प्रीसिंक्ट 8 को तो प्रीसिंक्ट 8 जो है वो अगर आप कोई भी कस्टमर इस वक्त अपने प्लॉट वहाँ पे परचेज़ करता है तो जो एमिनिटीज़ दी गई हैं बैरिया की तरफ से जो कि आप प्रीसिंक्ट 10 की गैलरी को यूज़ कर सकते हैं जो कि शॉपिंग गैलरी दी गई है प्रीसिंक्ट 8 के कस्टमर्स को काफ़ी नियर अबाउट पड़ेगी। इसके अलावा जो कि हमारे पास इम्तियाज़ मेगा स्टोर 5 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर इस वक्त हमें मिलता है। इसके अलावा बैरिया में जो कि हमारे पास इस वक्त के टाइम पे जो हमारे पास बैरिया में जो मेन लैंडमार्क्स ओपन हो चुके हैं जिसमें थीम पार्क एडवेंचर लैंड है, इसके अलावा हमारे पास जो कि डेंजू नाइट सफारी, इसके अलावा हमारा बैरिया का इंटरनेशनल स्कूल ओपन हो चुका है, इसके अलावा हमारे पास जो कि सबसे मेन पॉइंट है इकरा यूनिवर्सिटी भी हमारी ओपन हो चुकी है। ये सब चीज़ें मिनी मार्ट्स भी हमारे पास जो है वो जो कि प्रीसिंक्ट 8 के रेजिडेंट हैं उनको 10A की शॉपिंग गैलरी महबा स्टोर भी उनको बिल्कुल नियर अबाउट लगता है। तो ये वो कस्टमर्स जो इस वक्त अपना रेडी टू पोजीशन वाला 250 गज़ का विला बनाना चाहते हैं और लग्जरियस विला बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये तमाम एमिनिटीज़ बिल्कुल उनको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर और नियर अबाउट है। और बहरिया के अंदर तमाम चीज़ें इस वक्त जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं जो कि एक फैमिली को नीड होती हैं, वो सब चीज़ें बहरिया के रेजिडेंट को बहरिया के अंदर रहते हुए सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सही, 250 गज के ये प्लॉट्स हैं, इस हवाले से कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटी क्या दी गई है बहरिया टाउन की जानिब से? ये इसके अंदर प्रीसिंक्ट 8 के अंदर 250 गज़ के प्लॉट्स दिए गए हैं, 250 गज़ के अंदर जो है वो 2+2 की प्लानिंग दी गई है, मीन्स 4 मास्टर बेडरूम जो कि 4 मास्टर बेडरूम की प्लानिंग दी गई है। 250 गज़ के प्रीसिंक्ट है ये प्रॉपरली और बैरिया के मेन गेट से अगर आप इसको देखते हैं तो ये थर्ड प्रीसिंक्ट लगता है 250 यार्ड का। और इस वक्त के टाइम पर जो कि 250 गज़ का जो प्रीसिंक्ट है इसमें जो कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटी 250 गज़ के जो कस्टमर हैं हमारे वो इस वक्त के टाइम पे 2+2 की प्लानिंग के ऊपर आप अपना विला बना सकते हैं। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मैं 250 गज़ के ऊपर अपना बेसमेंट तैयार करूं बट इस वक्त बहरिया की तरफ से बेसमेंट 250 के अंदर अलाउ नहीं है बहरिया की पॉलिसी के अंदर, जो कि आपको 250 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको विदाउट बेसमेंट जो है वो विलाज मिलेंगे। और इस वक्त के टाइम पर काफ़ी ऐसे घर हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रीसिंक्ट 8 के अंदर फैमिलीज लिवेबल हैं और कुछ घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और ये वो एरिया है बहरिया का जो कि हाइट की लोकेशन के ऊपर आता है। अक्सर जितने भी प्रीसिंक्ट्स देखे गए हैं वो सारे जो है वो कोई डैप लोकेशन के ऊपर है, कोई कुछ ज़्यादातर एरिया जो है वो उसके डैप लोकेशन के ऊपर जा रहा होता है। तो ये वो वाहिद एरिया है जिसमें प्रॉपर स्मूथ रोड्स हैं और इसमें हमारे पास प्रॉपरली हाइटेड लोकेशंस के प्लॉट्स हैं, जिसमें हमारे पास जो है प्लॉट्स कैटेगरीज पर डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पास कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, इसके अलावा जो कि जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। और नॉर्मली जो हमारे पास जो गली है बहरिया की वो 40 वाइड की है, 40 वाइड भी गली बहुत ह्यूज गली है बहरिया की। वो कस्टमर जो इस वक्त जो प्रीसिंक्ट 8 के अंदर या किसी भी प्रीसिंक्ट में 250 गज़ का प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। रेट्स के हवाले से बताइएगा ज़रा कि इन प्लॉट्स के रेट्स क्या हैं और किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं ये?
इस वक्त जो रेट्स दिए गए हैं बैरिया की तरफ से, चूँकि 250 स्क्वायर यार्ड का जो पेसेंट है, इसके जो 2014 में जो प्लॉट्स का रेट्स था टोटल, इसके जो प्लॉट थे 28,50,000 रुपये का प्लॉट के ऊपर बैरिया ने लॉन्च किया था। इस वक्त के टाइम पे ये प्लॉट कैश के ऊपर अवेलेबल है। इस वक्त कम से कम स्टार्टिंग रेट जो है वो बैरिया के अंदर 130 से 1,30,00,000 रुपये से लेकर तकरीबन 1,50,00,000 रुपये तक है। और इसमें हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो कि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पास कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, इसमें हमारे पास पार्क फेसिंग है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, लोकेशन कौन सी, अगर बड़े रोड का प्लॉट है, कैटेगरी प्लॉट है, तो उसका रेट एक डिफरेंट होगा। सही, थैंक यू सो मच हलीमा हसन साहिबा, आपने तमाम तर सवालात के जवाबात दिए, जो हमारे नाज़रीन के ज़हनों में यकीनन वो सवालात भी होंगे, उनके जवाबात उन तक पहुंच गए होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो से बस इतना ही, आइंदा किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल वी मीट अगैन, इट्स गुड बाय।